का। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ आरवी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। गुजरात चुनाव तक अटनी राजनीतिक नियुक्तियां, 14 यूआईटी और 3 प्राधिकरण को स्थायी चेयरमैन का इंतजार। प्रजापति समाज ने निकाली आक्रोश रैली, दुष्कर्म के मामले में आरोपी बाबा को गिरफ्तार करने की मांग। जोशी, धारीवाल और राठौर ने अब तक नहीं भेजा जवाब, अनुशासन समिति के सेक्रेटरी पर कार्रवाई का दिया बड़ा बयान। और खबरें विस्तार से। राजस्थान के सीएम की कुर्सी को लेकर चल रहे झगड़े ने कांग्रेस के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं की उम्मीद को झटका दिया है। पिछले 2 हफ्ते में अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुट के बीच संघर्ष चरम पर आ पहुंचा है। ऐसे में प्रदेश भर में यूआईटी प्राधिकरण और अन्य राजनीतिक नियुक्तियों की उम्मीद कर रहे नेताओं को एक झटका लगा है। राजस्थान में हालिया हालातों को देखते हुए ये मुश्किल लगता है कि यूआईटी या प्राधिकरणों में जल्द नियुक्तियां होगी। ऐसे में ये माना जा रहा है कि यह नियुक्तियां गुजरात चुनाव तक होने की संभावनाएं नहीं है। इससे कई नेताओं की उम्मीदों को झटका लगेगा, जो ये मान रहे थे कि कम से कम सरकार के सेवा साल रहते उनकी इन पदों पर नियुक्ति हो सकती है। अब खबर श्रीमाधोपुर से है, जहां विधानसभा क्षेत्र के अजीतगढ़ पंचायत समिति के ग्राम पंचायत खटकड़ के श्री बालाजी बाल विकास उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्रों द्वारा फिजिक्स फेयर 2022 का कार्यक्रम आयोजन किया गया। स्कूल निदेशक बाबूलाल यादव ने बताया कि कक्षा 11वीं और 12वीं क्लास के विद्यार्थियों ने राहुल शर्मा के निर्देशन में विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों का अपने हाथों से निर्माण कर उनका प्रशिक्षण भी किया। ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित विद्यालय के होनहार छात्र छात्राओं के द्वारा हेलीकॉप्टर, पवन चक्की, लड़ाकू विमान, सिनेमा हॉल, डीजे, रोड, हाईवे लेन, एरोप्लेन, कूलर, सोलर ऊर्जा से चलने वाले कई उपकरणों का निर्माण किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि अजीतगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के सरपंच अध्यक्ष शंभू दयाल मीणा और समारोह की अध्यक्षता समाज सेवी बलराम यादव ने की। क्लासरूम में करके दिखाए तो फिर बच्चों में उत्साह बढ़ा, बच्चों के अंदर डेवलपमेंट सी हुई, तो फिर हमने बोला कि अब धीरे धीरे हम एक जो प्रोजेक्ट जो क्लास वाइज चल रहे हैं अपने इसको एक तहसील लेवल पर रखना चाहते हैं। और बच्चों को रोज क्लास के अंदर डिस्कशन होता था कि इस प्रकार से क्या प्रोजेक्ट तैयार करने हैं, किस प्रकार से क्या करना है, और इस प्रोजेक्ट को फिर हमने एक तहसील लेवल पर रखा है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के हमने प्रोजेक्ट तैयार किए। जैसे पर बात करें तो सोलर पैनल है, सोलर पैनल से लाइट इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करना, प्लस के अंदर टेक्निकल डीजे साउंड हमने ऑर्गेनाइज किया है इसके अंदर, प्लस के अंदर चोर सेंसर वाला भी हमने इसके अंदर प्रोजेक्ट में रखा है, प्लस के अंदर हमने बोट रखी है, हमने रोबोट रखा है। इस प्रकार से हमने बहुत टेक्निकल जो प्रोजेक्ट है फिजिक्स के वो रखे हैं, और आशा है कि इन प्रोजेक्टों से बच्चों के अंदर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होगा क्वालिटी के अंदर। राहुल जी, सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कितने दिनों से आप बच्चों की ये तैयारी करवा रहे हैं और बच्चे किस तरह से ऐसा प्रोडक्ट बना के कैसा फीलिंग कर रहे हैं और आगे बच्चों की क्या, बच्चों के भविष्य की क्या रणनीति रही है? देखो सर, ये प्रोजेक्ट का जो प्रोग्राम है ये पिछले हम 2 मंथ से चला रखे थे, 2 मंथ से हम कंटिन्यू इसके ऊपर डिस्कस कर रहे थे प्रोजेक्ट के बारे में, कंटिन्यू हम क्लास वाइज हम देख रहे थे प्रोजेक्ट को। फिर हमने डिसाइड किया कि अपन 6 तारीख को प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज करेंगे। हमारे जो डायरेक्टर साहब सर है, हमारे चीफ है बाबूलाल जी है,
हमारे मैनेजमेंट में हमारे लोकेश जी हैं, इनका काफी ज्यादा सहयोग रहा है, मुकेश जी का सहयोग रहा है, शंकर जी का सहयोग। खबर जोधपुर से है जहां प्रजापति युवा शक्ति संगठन द्वारा गुरुवार को गांधी मैदान के बाहर विभिन्न मांगों को लेकर धरना दिया गया। साथ ही आक्रोश रैली निकालकर फुलेरा विधायक का पुतला भी फूंका। बाद में उन्होंने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन पुलिस प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में महिला थाना बाड़मेर में 9 महीने पहले हुए दुष्कर्म के मामले में आरोपी बाबा को गिरफ्तार करने की मांग की गई थी। ज्ञापन में 11 नंबर तक अल्टीमेटम दिया हुआ, इसके बाद बाड़मेर में अनिश्चितकाल धरना दिया जाएगा। इसके साथ ही उनके समाज के नाम को लेकर चल रहे विवाद में भी आक्रोश जताया जाएगा। समाज में लोगों ने इसको लेकर आज धरना प्रदर्शन किया। बाद में गांधी मैदान से कलेक्ट्रेट तक आक्रोश रैली निकाली और पुतला दहन किया। सर, मेरा नाम नारायण प्रजापति है, नागौर का रहने वाला हूं। बाड़मेर में एक नाबालिग बच्ची के साथ एक दुष्कर्मी जिसका नाम लाल बाबा है, जो सिरोही का रहने वाला है और बीस पंथ धर्म से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति है, 9 महीने पहले बाड़मेर महिला थाने में FIR दर्ज करवाई गई थी, लेकिन आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। उसके विरोध में ये सभा रखी गई है और साथ में एक हमारे कुमार नाम जो जमाबंदी में परसों से हमारे आदि अनादिकाल से चलता आ रहा था, उसे एक विधायक है जो निर्मल कुमाऊत, उसने ऐसी हिम्मत की है कि इस नाम को पूर्ण मिटाने की कोशिश की गई है। उसके विरोध में यहाँ से हम लोग उसका एक तो पुतला जलाएंगे, उसको जूतों की माला पहनाएंगे और यहाँ से कलेक्ट्री जा करके उसका पुतला जला करके IG साहब को ज्ञापन दिया जाएगा। खबर जोधपुर से है जहां लोक संगीत और कलाकारों को समर्पित राजस्थान इंटरनेशनल फ्लॉक फेस्टिवल जोधपुर रिप का 13वां संकरण गुरुवार से शुरू हो गया है। मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस 5 दिवसीय रिप में देश विदेश के करीब 250 कलाकार प्रस्तुति देंगे। महोत्सव का शुभारंभ बाल मेला ने किया। शाम को 7:30 बजे जसवंत थड़ा पर ओपनिंग सिटी कंसर्ट का आयोजन होगा। रिप का आगाज आज सुबह वीर दुर्गादास मेमोरियल पार्क मसूरिया पहाड़ी पर लोक कलाकारों की प्रस्तुति के साथ किया गया। कार्यक्रम में लोक कलाकारों ने बेहतरीन लोक नृत्य के साथ बहुरूपिया शैली, घूमर पाबूजी की पड़, कच्ची घोड़ी, छत्र कोटला व चंग थाप कर नृत्य प्रदर्शन किया। इस आयोजन में जोधपुर के विभिन्न स्कूली बच्चों ने भाग लिया। जोधपुर महोत्सव के निर्देशक दिव्या भाटिया ने बताया कि फेस्टिवल में विश्व के कई नामचीन संगीतकार और कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। फेस्टिवल का समापन 10 अक्टूबर को होगा। उन्होंने ये भी बताया कि इस 5 दिन के संगीत महोत्सव में शहरवासी और अन्य लोग न केवल विश्व स्तरीय संगीत सुन पाएंगे बल्कि जड़ों को भी समझ पाएंगे। तो आज हमने जोधपुर रिप की शुरुआत की है। बच्चों के लिए बाल मेला ये मसूरिया पहाड़ी पर हो रहा है। वी आर एक्सपेक्टिंग करीब 2,000 से 2,500 स्कूल के बच्चे आएंगे। अभी तक करीब 6-7 स्कूलों के बच्चे आ चुके हैं, बहुत मज़ा ले रहे हैं और जैसे ही दिन बढ़ता जाएगा हमें लगता है कि काफ़ी सारे और स्कूल आने वाले हैं। तो यहाँ पर कच्ची घोड़ी को लेकर, जो लोक सर्कस होता है उसको लेकर, ये कालबेलिया नृत्य को लेकर, लंगा के गानों को लेकर, कच्ची घोड़ी को लेकर, ये अलग अलग तरीके के जो लोक कलाएं हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स जो हैं, वो हम दर्शाते हैं। और मुझे लगता है कि स्कूल के बच्चों को यही एक साल में एक मौका मिलता है जहाँ पर ये इन चीज़ों से जो अपने ही प्रांत के, अपनी रीजन की जो ट्रेडिशनल खासियत है उससे एंगेज करने का मौका मिलता है। राजस्थान में पिछले दिनों के सियासी घटनाक्रम के बाद कांग्रेस अनुशासन समिति ने 2 मंत्री सहित 3 नेताओं को अनुशासनहीनता के आरोप में नोटिस जारी किया था, जिसका जवाब 10 दिन के भीतर भीतर देना था। आज वो 10 दिनों की मियाद पूरी हो गई है। इस मुद्दे पर अनुशासन समिति के सेक्रेटरी मेबर तारिक अनवर ने मीडिया से बात की। तारिक अनवर ने कहा कि अभी तक किसी का भी जवाब नहीं मिला है। अनवर ने कहा कि हो सकता है त्योहारी सीजन में पूजा पाठ होने की वजह से जवाब में देरी हो। मेरा मानना है कि तीनों के जवाब जल्दी आ जाएंगे। अनवर ने कहा कि उसके बाद कमेटी की बैठक बुलाकर देखा जाएगा कि उनके उत्तर संतोषजनक है या नहीं। हमारे ऑब्जर्वर ने जो रिपोर्ट दी है वही उसका आधार है। रिपोर्ट जो चार्जेस लगाए उसके आधार पर वो शो कॉज नोटिस का क्या जवाब देते हैं उनका जवाब देखना होगा।
मुख्यमंत्री के माफी मांगने के बाद कार्रवाई की स्थिति पर तारिक अनवर ने कहा कि इससे मुख्यमंत्री का नाम कहीं नहीं आया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए डीपीके न्यूज। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज़ पर।